Hi, please like and subscribe Jazz Room Vlogs. Really good. प्रीमियम सेगमेंट की ही टाइल्स मिलती है। सोमानी कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा डिजाइन आते हैं, इससे ज्यादा डिजाइन किसी और कंपनी में नहीं है। 25 रुपए स्क्वायर फीट से स्टार्ट होके लगभग 200-250 रुपए तक जाती है। हम कमिटमेंट देते हैं कि हमसे सस्ते रेट और हमसे बेस्ट क्वालिटी वाला मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा। जय वीरू ब्लॉग मार्केट में सबसे एथिकल ब्लॉग है। ये लोग फेक न्यूज, फेक पब्लिसिटी नहीं करते, जो सच होता है वो ही दिखाते हैं। हमें पूरा विश्वास है। 70 डिजाइन मेरे पास है जो एक्सक्लूसिवली आपको इसी शोरूम के अंदर दिखाएंगे। सर थोड़ा सा दिखाइए 70 डिजाइन। ये जैसे हमारी एलिवेशन टाइल्स है, ये 35 रुपए से स्टार्ट है। ये साइज कितना भी हैवी चीज हो, मेटल हो, कुछ भी हो, मतलब सरिया, कोई भी फर्नीचर, नो स्क्रैच, कभी भी स्क्रैच प्रूफ चाहिए नहीं सर। सब मेनली इसको इंटीरियर में यूज किया जाता है। क्लॉथ स्टाइल है, हाई क्लॉथ स्टाइल है, सोमानी की आती है। बिल्कुल पिछले से यही आइटम है सर, एम्बोज्ड होता है, पूरा कार्विंग इफेक्ट होता है। पर्टिकुलर ये वाला आइटम आपका पार्लियामेंट, इंडिया के पार्लियामेंट में लगा हुआ है। कि बनने के बाद आपका बाथरूम कैसा लगेगा? इटालियन मार्बल का कंसेप्ट बनाया गया है। ये पूरा बाथरूम सिंगल कलर में है, इसमें कोई हाइलाइटर हमने यूज नहीं करा गया है। हाइड्रोफोबिक क्या होता है, इसमें पानी स्टिक नहीं करेगा, कई बार पानी चिपका हुआ रह जाता है जिसकी वजह से टाइल धीरे धीरे काली काली लगने लगती है, बट इसमें पानी कभी भी स्टिक नहीं रहेगा। आप बहुत बारीक से देखेंगे तो इसमें सारे जो ग्रेन्स है ना वो अलग अलग दिखेंगे। इतने बड़े टाइल्स का शोरूम और उस शोरूम के अंदर बकायदा एक पूरा का पूरा सेगमेंट बनाया गया है जिसके अंदर आपको डिजाइनर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको अपना घर बनाना है, घर के अंदर क्या डेकोरेशन करानी है वो आपको सारी चीजें यहाँ पर सिर्फ चुटकियों में बता दी जाएंगी। सर चुटकियों में ही हो जाता है? हाँ सर, चुटकियों में ही जाता है। ये हमने एक बेडरूम का वर्चुअल बनाया हुआ है। आप अपने घर का बेडरूम कैसा डिजाइन करना चाहते हैं इसे देख के आपको आइडिया मिल जाएगा। हर रेंज की 500 रुपए से स्टार्ट होकर 50,000 रुपए रेंज की शीट, सैनिटरी, सीपी, टैप, पिलर कॉक, एंगल वॉल, पूरी एक्सेसरीज की रेंज हमारे यहाँ मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय वीरू ब्लॉग्स की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आ गए हैं सोमानी के प्री ओल्ड कंपनी आउटलेट जो कि नेहरू नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों यहां पर आपको मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम टाइल्स। दोस्तों नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा सोमानी का ये एक आउटलेट आपको मिलने वाला है, गैलरी मिलने वाली है जहां पे आपको सिर्फ प्रीमियम टाइल, सैनिटरी और लार्ज कलेक्शन, चाहे आप होलसेल में लेना चाहो, रिटेल में लेना चाहो या आप कोई प्रोजेक्ट करना चाहो, यहां पे आपको आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। तो दोस्तों आपके अपने जय वीरू ब्लॉग्स पहली बार यूट्यूब के ऊपर लेके आए हैं सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स जो कि शायद आज से पहले आपने यूट्यूब चैनल पे नहीं देखी होंगी। और दोस्तों ये एक दावा है कि आपको इस वीडियो में शुरू में कुछ और बाद में कुछ और नहीं बोला जाएगा, सिर्फ प्रीमियम टाइल्स ही आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर आपको अपना घर बनाना है, ऑफिस बनाना है या आप कंपनी का ब्रांड के साथ अपना एक आउटलेट खोलना चाहते हैं तो आपका ये आउटलेट मस्ट विजिट है। दोबारा से बताता हूँ, ये आउटलेट नेहरू नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप कहीं भी किसी भी स्टेट से आए, सिर्फ आपने सोमानी लिखना है और लिखना है नेहरू नगर आउटलेट गाजियाबाद, आप डायरेक्टली इनके आउटलेट के बाहर आके खड़े हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। और जिन्होंने हमारे चैनल जय वीरू ब्लॉग्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कौन सा आइकन होता है वो कमेंट कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। दूसरा मैं आपसे एक चीज और शेयर करना चाहता था जो यहाँ पर मुझे मैनेजमेंट ने बताया है।
कि होता क्या है कि कई लोग कहते हैं, व्यूअर्स के कमेंट आते हैं कि प्राइस वीडियो में कुछ और वहां जाने के बाद कुछ और बोले जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ की मैनेजमेंट आपको रिटर्न में देती है कि हमारे प्राइस जो वीडियो में है वही आपको स्टोर पे भी मिलेंगे, क्योंकि ये कंपनी का ओन्ड आउटलेट है। तो दोस्तों वीडियो को पूरी एंड तक देखिए, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग जय वीरू ब्लॉग्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्पित गोयल है, मैं आप सबका सोमानी के कंपनी ओन्ड आउटलेट पे स्वागत करता हूँ। ये आउटलेट नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट डिस्प्ले वाला आउटलेट है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट की ही टाइल्स मिलती है। अगर आप अपना कोठी, घर, आशियाना कुछ भी बना रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार हमारे आउटलेट पर ज़रूर आएँ। ये आउटलेट गाज़ियाबाद में ओली चाइल्ड स्कूल के सामने है। यहाँ पे लार्जेस्ट वैरायटी, प्रीमियम वैरायटी मिलेगी। सोमानी कंपनी पिछले 50 सालों से कोठियों के, इंडस्ट्रीज़ के, रेस्टोरेंट्स के या कोई भी हाई सेगमेंट की टाइल्स बनाती आ रही है और आज ये इंडस्ट्री में लीडिंग कंपनी है। सोमानी कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा डिज़ाइंस आते हैं, इससे ज़्यादा डिज़ाइन किसी और कंपनी में नहीं है। किसी को भी अपना घर बनाना है, कोई अपनी कोठी के अंदर, किसी रेस्टोरेंट के अंदर, आप एक ना एक बार किसी भी जगह ऑल ओवर इंडिया में सोमानी के आउटलेट पे जाकर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर कोई चीज़ पसंद कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर हम लोगों का नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पर जाकर क्लिक एक बार हमें कॉल कीजिए और हम आपको उसका बेस्ट से बेस्ट प्राइस देंगे। हमारे पास 8 इंची बाई 12 इंची, 1 फिट बाई 1 फिट से लेके 4 फिट बाई 8 फिट तक की टाइल मिलेगी। टाइल की रेंज 25 रुपये स्क्वायर फिट से स्टार्ट होके लगभग 200-250 रुपये तक जाती है। हम नॉर्थ इंडिया में 50 से ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स, कमर्शियल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस में सप्लाई कर रहे हैं। आप कहीं भी सोमानी की टाइल्स देखें, एक बार हम चाहते हैं आप हमसे रेट की इंक्वायरी ज़रूर करें। हम कमिटमेंट देते हैं कि हमसे सस्ते रेट और हमसे बेस्ट क्वालिटी वाला मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज हमने जय वीरू ब्लॉग वालों को अपने यहाँ बुला रखा है। ये लोग टाइल्स इंडस्ट्री के पहले भी कुछ वीडियो दे चुके हैं, ये लोग घर बनाने के मटेरियल्स वगैरह में सबसे ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो आज हम लोगों ने इन लोगों को अपने यहाँ बुला रखा है ताकि इन लोगों के माध्यम से हम आपके घर तक पहुँच सकें। जय वीरू ब्लॉग मार्केट में सबसे एथिकल ब्लॉग है। ये लोग फेक न्यूज़, फेक पब्लिसिटी नहीं करते, जो सच होता है वो ही दिखाते हैं। हमें पूरा विश्वास है जय वीरू ब्लॉग के माध्यम से हम आप लोगों के फ़ोन, घर, हर जगह तक आएंगे और आप लोग इस बहाने हमें ज़रूर सेवा का मौका देंगे। वीडियो की स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आपको किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है, कोई एड्रेस जानने में समस्या हो रही है तो आप एक बार हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक है। हमारा एड्रेस गाज़ियाबाद के नेहरू नगर में ओली चाइल्ड स्कूल के सामने है। अब जो वीडियो में रेट के बारे में बताया जाएगा, हम कमिटमेंट के साथ कहते हैं हम अपनी बात पर खड़े उतरेंगे। हमारे यहाँ ऐसा कोई काम नहीं है कि वीडियो में कोई रेट बता दिए, जब आप आएंगे तो कुछ और बताएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये कंपनी ओन्ड आउटलेट है, हर वर्ड्स की हम अपने आप जिम्मेदारी लेते हैं। जैसा आपको बताया गया है, जैसा प्रॉमिस करा गया है, वैसा ही मटेरियल उतने ही समय में, उतने ही सर्विस के साथ आपको दिया जाएगा। हमारा जो शोरूम है वो गाज़ियाबाद या आसपास के एरिया में सबसे बड़ा शोरूम है, एक बार हमें सर्विस देने का मौका जरूर दें। तो एक बार हमारे साथ चलिए, हम आपको सारा शोरूम विजिट कराते हैं। दोस्तों फाइनली ये जो सेगमेंट है ये सोमानी का वन बाई वन का सेगमेंट है। हमारे साथ मंगल कुमार जी हैं। मंगल जी बताएंगे इन टाइल्स के बारे में और इसमें क्या खास है। सर जी, हमारे वन बाई वन का साइज है, बाथरूम की फ्लोरिंग पे यूज होता है। बाथरूम की फ्लोरिंग पे ये हमारा, ये अलग अलग आता है ये डिजाइन्स? नहीं, इसमें मेरे पास सीरीज अलग होती है। मेरे पे जो ये सीरीज है, इस बार में सीरीज है डिजिटल, स्पार्कल है ये जी, डिजिटल भी है ये। मेरे पास डिजिटल आ जाते, इसमें कलर ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं। इसको डिजिटल बोलते हैं जी। और ये जो है ये स्पार्कल हो गई और ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा ग्लॉसी सा है। ठीक है, इनके प्राइस की बात की जाए तो क्या प्राइस होगा इनका? ये हमारा 25 रुपए स्क्वायर फीट है, सोमानी का है। 25 रुपए जी, सोमानी का प्रीमियम होता है। सोमानी का प्रीमियम है और इसकी कोई पहचान भी होती है कि ये कैसे सोमानी का, कैसे है इसके पीछे सोमानी का? जो हम बात करते हैं तो सोमानी का इस पर मेंशन भी होता है, सोमानी। दोस्तों आप देख सकते हैं सोमानी साफ साफ मेंशन है, आपको हर टाइल के पीछे ये चीज मेंशन मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये वन बाई वन की थी, अब चलते हैं आगे। दोस्तों फाइनली 12-18 साइज के सामने हम और हमारे साथ अंशुल जी हैं। अंशुल जी थोड़ा ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। अंशुल जी प्लीज थोड़ा सा 12-18 के बारे में बताइए। सर हमारे पास सोमानी की रेंज की बात करें तो सोमानी के पास छोटे साइजेस या बड़े साइजेस के अंदर बहुत सारी रेंजेस आती है। 12-18 लगभग मेरे पास जो डिस्प्ले में होगा लगभग 70 डिजाइन मेरे पास है जो एक्सक्लूसिवली आपको इसी शोरूम के अंदर दिखाई। सर थोड़ा सा दिखाइए 70 डिजाइन। ये जैसे हमारी एलिवेशन टाइल्स है,
एलिवेशन ये हमारे फ्रंट एलिवेशन के लिए लगाते हैं लोग, इसको आजकल किचन के बैकडोर्स वगैरह में कहीं भी लगा सकते हैं। तो सर ये डिजिटल टाइल्स होते हैं ना, ये सारी डिजिटल टाइल है, कोई भी पैटर्न आपको रिपीटेड नहीं मिलेगा, हर एक टाइल में अलग अलग डिजाइन आएगा। दोस्तों बेसिकली डिजिटल वो होता है जो एक, मेरे ख्याल से जो एक प्रिंट होता है, प्रिंट होता है वो रिपीट नहीं करता, रिपीट नहीं होता वो, हर टाइल आपने अलग। और सर ये क्या है, ये भी एलिवेशन टाइल्स माने, एलिवेशन टाइल बाथरूम में भी यूज करते हैं, बट मोस्टली ये वाली टाइल आपके एलिवेशन में यूज। सर इनके प्राइसेस की बात की जाए, आप मोटा मोटी इसका प्राइसेस जो हम बात करते हैं कि 35 रुपीस से लेके स्टार्टिंग में 35 रुपीस से आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये देख सकते हैं बहुत शानदार, बहुत प्यारी और एनग्रेव्ड बाहर निकली हुई टाइल्स हैं। ये सारी 12-18 में है सर, सारी अभी मैं जो आपको रेंज दिखा रहा हूँ 12-18 दिखा रहा हूँ। ये 35 रुपीज स्क्वायर फीट स्टार्ट हो जाता है आपके पास? जी सर, ये 35 रुपीज से स्टार्ट है ये साइज। सर ये मेरे पास जितनी क्वालिटी होगी सब प्रीमियम क्वालिटी होगी, प्रीमियम होगी, हमारे पास कोई सेकंड वगैरह का काम नहीं है कि किसी टाइल के अंदर कोई बैंड आ रहा है या किसी के बाद कोई पंचेज आ रहे हैं, किसी के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, ऐसा हमारे पास कोई टाइल नहीं आएंगी। जो आपको दिखाई देगा वो एक ही पैटर्न दिखाई देगा, एक ही लॉट सामान। दोस्तों बेसिकली बात यही है कि एक नॉर्थ इंडिया में बिगेस्ट सोमानी के ये है आउटलेट है, तो इसका ये भी मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आपको कोई माल खराब नहीं मिलने वाला यहाँ पे। और भी डिजाइन हम यहाँ पे देखेंगे, सर ये कौन सा, ये बाथरूम के लिए होगा? ये भी बाथरूम के लिए, अब ये बाथरूम का ये सारी 12-18 की है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं 12-24 के सेक्शन के ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी 12-24 की टाइल्स लगी हुई है, ये सारी प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स है सोमानी कंपनी के, ये सोमानी कंपनी का रिटेल प्रोजेक्ट का होलसेल आउटलेट है। आप यहाँ पर आती हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सोमानी की प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स मिलेगी। प्लीज़ यहाँ आने के बाद आप किसी प्रकार के कोई स्टैंडर्ड या कमर्शियल की बात नहीं करिए, क्योंकि यह कंपनी का ओन आउटलेट है। आप देख सकते हैं कितने क्या है प्यारे प्यारे डिजाइन है भैया, अगर मैं देख पा रहा हूँ ये फिश वाला है, वेल वाला डिजाइन है जी। ये एग्जैक्टली दीवार पे या फर्श पे दोनों जगह पे लग जाता है या सिर्फ मेनली वॉल्स के लिए? फ्लोरिंग का मैच का आ जाता है, पूरा पैटर्न एक कॉम्बिनेशन बन जाता है वॉल्स के लिए अपना, बाथरूम्स में लगता है मेनली। आप ये वाला है, ये थोड़ा सा हमारा शुगर फिनिश में आ जाता है, वॉलपेपर शेड्स के लिए बहुत अच्छा है, रूम्स के लिए बहुत अच्छा शेड है आपका। एलिवेशंस पे जाते हैं तो आपको ये आजकल बहुत डिमांड के अंदर है, तो ये बहुत सुंदर लगता है इस टाइप में। तो इसमें बहुत सारे शेड्स अपने पास मिल जाएंगे, करीबन 100 से ऊपर शेड्स हैं हमारे पास 12-24। तो अब आ गए हैं 2x2 के साइजेस के ऊपर, कुछ भैया से पूछते हैं कि ये टाइल्स कहाँ लगती हैं, क्या इसकी खासियत है और क्यों यहीं पर आकर टाइल्स लेनी चाहिए, तो बताइए कुछ हमारे व्यूवर्स को भैया। सर ये सोमानी की हमारी VC शील्ड टेक्नोलॉजी की टाइल है, पेटेंटेड आइटम है। ओके। इसका मेन पेटेंट किस चीज पे जाता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कितना भी हैवी चीज हो, मेटल हो, कुछ भी हो, मतलब सर या कोई भी फर्नीचर, नो स्क्रैच, कभी स्क्रैच प्रूफ टाइल है नहीं सर। तो ये तो अभी नई टाइल है, हो सकता है 6 महीने साल 2 साल के अंदर इसके ऊपर स्क्रैच आ जाए। सर जब तक हमें गारंटी हम देंगे और हमारी बात कंपनी देगी तो उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा, कंपनी की गारंटी है, सोमानी की गारंटी है, नाम है कंपनी का। कलर्स मिल जाएंगे इसके अंदर आपको बहुत सारे, काफी अच्छे डिजाइन आप दिखा रहे हैं जी। थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आपके यहाँ पहुँचने के लिए कौन सा इजी वे रहेगा, क्या सिर्फ सोमानी डालकर ही आपके यहाँ आपके आउटलेट पे पहुँचा जा सकता है? सर मैं बताता हूँ आपको, गूगल पे सिंपल गाजियाबाद के अंदर हमारा यहाँ का आउटलेट है, गूगल पे आपको डालना है नेहरू नगर और होली चाइल्ड स्कूल के सामने आपका एग्जैक्ट सोमानी का शोरूम आ जाएगा, पूरा आपका शोरूम बाहर है, पूरी वैरायटी लगी हुई है, आप कभी भी आकर देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो दोस्तों बेसिकली बात ऐसी है कि 2x2 जो साइज है वो काफी डिमांडिंग साइज होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर के लिए अलग अलग टाइल्स लगती हैं। हमारे साथ हमको भाई बताएंगे कि एग्जैक्टली ये वाली कौन सी है, इंटीरियर या एक्सटीरियर? सर मेनली इसको इंटीरियर में यूज किया जाता है, ग्लॉस टाइल है, हाई ग्लॉस टाइल है सोमानी की आपकी, हाई ग्लॉस बहुत अच्छी रहेगी इसकी आपकी। रूम्स के लिए इटालियन शेड्स होते हैं, बहुत सारे शेड्स आ जाएंगे, देखिए सब इटालियन,
प्रॉपर इटालियन आपका कितना कॉस्टली होता है, उससे बहुत कम रेट्स में आपको ये आइटम्स मिल जाएगी। अच्छा, इसमें आपके पास कितने डिजाइन्स होंगे? इसमें हमारे पास बहुत सारे डिजाइन्स हैं, अप्रॉक्स लेकर चलते हैं 50 अबव डिजाइन्स इसके ऊपर आपको। 50 अबव डिजाइन्स आपको। अच्छा, इसमें कोई स्पेशल चीज भी है कोई? सर स्पेशल आता है, बिल्कुल स्पेशल आता है, सुमानी का आइटम है ये, आपकी इसकी पूरी प्रीशियस सीरीज का आइटम है। प्रीशियस सीरीज जी, ये एग्जैक्टली यही है? बिल्कुल प्रीशियस यही आइटम है सर, एम्बोस्ड होता है पूरा, कार्विंग इफेक्ट होता है। पर्टिकुलर ये वाला आइटम आपका पार्लियामेंट, इंडिया के पार्लियामेंट में लगा हुआ है। अच्छा जी, इंडिया के पार्लियामेंट में लगा हुआ है ये वाला आर्टिकल जो इन्होंने दिखाया, और ये प्रीशियस सीरीज के नाम से है। सोमानी का नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा डिस्प्ले सेंटर है। आपको यहाँ पे सोमानी के ऐसे ऐसे डिजाइन मिलने वाले हैं जो कि भाई दिखा रहे हैं, और जैसे प्रीशियस सीरीज पार्लियामेंट में भी लगा हुआ है तो सर, और भी कुछ डिजाइन से आप देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, लग्जरी कलेक्शन के नाम से कोई एक टाइल है, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ही अमेजिंग है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी डिजाइन लगे हुए हैं टाइल्स के, काफी सारा मटेरियल है यहाँ पे, मतलब आप ये भी देख सकते हैं। तो एक रिव्यू भी ले लेते हैं। नमस्कार मैम। मैम हम लोग बेसिकली एक YouTube चैनल से हैं जिसका नाम है जय वीरू ब्लॉग्स। तो हम लोग एक रिव्यू लेने, बेसिकली हम इस शोरूम की एक वीडियो बना रहे हैं, तो आपको देखा तो हमने कहा क्यों ना आपसे एक रिव्यू ले लिया जाए, आपसे पूछा जाए कि आपको यहाँ के आप पहली बार आए हैं या पहले भी आप यहाँ से टाइल्स और ये सारी चीजें ले चुके हैं? एक्चुअली हम लोग जब अपना हमारा घर रिनोवेट हो रहा है ओके, तो हमने पूरा हमारा मन था कि हमें टाइल्स वगैरह लगवाएं। जी जी जी। तो हमने कम से कम नहीं तो 5-6 दुकानें कजारे वगैरह सभी देखा, और मैं और मेरा हस्बैंड हम लोग घूमते रहे। लास्ट में हमें बताया किसी ने एक बार उनका वो जाकर सोमानिया वाला शोरूम देखिए, सोमानी का आउटलेट एक बार विजिट देखिए। हाँ, हम फर्स्ट टाइम जहाँ आए, और आप ये सोचिए कि मेरा जो है राजनगर में मेरा घर है जी मैम, तो हमारा 500 गज की हमारी वो है, और हमने पूरा फ्लोर, पूरे दो बाथरूम, किचन और पूरा जो हमारी गैलरी थी पूरी, जी जी जी, वो सब हमने सोमानी की टाइल्स। अच्छा, सोमानी की टाइल्स, मतलब आपने इस सोमानी के आउटलेट से ही आपने प्रोडक्ट खरीदा। तो अभी कुछ चीजें रह गई हैं जो आप यहाँ पे लेने हैं? हाँ, हाँ, अभी हमारे बाथरूम का हमने पूरा ये इस तरह का ही हमने वो कराया, हमने एक बाथरूम, अच्छा, जो मेन बेडरूम के साथ था अटैच, उसमें ये कराया हमने बिल्कुल सेम। तो मतलब आपको ये जो आर्किटेक्ट वगैरह की सेवा है वो भी आपको यहीं से मिल गई? हाँ हाँ, और हमने जो ये सब थे लगे हुए इसे देख के हमने वॉश मशीन वगैरह सब हमने सेम टू सेम ले लिया। तो आपको इनकी क्वालिटी और इनका कस्टमर से बात करने का तरीका बेहद अच्छा है, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि बेहद अच्छा है ओके। जो इनके वो मालिक है वो भी, और जो इनके जितने भी बच्चे हम लोगों को दिखाते हैं समझाते हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह। और अगर पैसों की तुलना में अगर बात करी जाए कि अगर आपने कहीं और आउटलेट पे माल देखा और यहाँ पर टाइल्स या कोई चीजें खरीदे, तो क्या यहाँ आपको सस्ता मिला या महंगा मिला? ये सस्ता है। अच्छा, ये सस्ता है। हाँ, सच कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है सर? बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ, और मैंने इतना माल इनके यहाँ से खरीदा है ना कि आप सोच नहीं सकते, हम जितना काम करा रहे थे उससे ज्यादा हम काम कराते हैं। ये रियली, मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं आपके उस पर कह रही हूँ, मैंने रियली इतना काम किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपके रिव्यू के लिए। अभी तक आपने 2x2, 2x4 की टाइल देखी है, अब हम आपको लाइव मॉकअप दिखाएंगे जिसमें आपको पता लगेगा कि बनने के बाद आपका बाथरूम कैसा लगेगा। ये सोमानी की प्रेशर सीरीज की टाइल है, इसमें तीन टाइल का कॉम्बिनेशन बनाया है, लाइट, डार्क और हाईलाइटर। ये जो हाईलाइटर टाइल है इसके अंदर पूरा कार्विंग इफेक्ट है, थोड़ी सी भी लाइट पड़ेगी तो अंदर से इसकी ग्रेन्स दिखेंगी आपको। ये कंसेप्ट हमने पूरा तैयार करा हुआ है ताकि आप आए और आपको देख के पता लग जाए कि हमारा कैसा लगने वाला है, आप अपने घर में कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। इसके बाद में आपको एक नया डिजाइन दिखाऊंगा, ये इटालियन मार्बल का कंसेप्ट बनाया गया है, ये पूरा बाथरूम सिंगल कलर में है, इसमें कोई हाईलाइटर हमने यूज नहीं करा गया है, टाइल्स का ही हमने एक इसमें प्लेटफॉर्म बनाया है जिसपे एक बेसिन रखा गया है, और ये वुडन प्लैंक्स की टाइल लगाई गई है ताकि एकदम नेचुरल फील दे, आपको इटालियन मार्बल और वुडन का एक कॉम्बिनेशन मिले, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल टाइल वाला लुक नहीं आएगा। तो सर अगर किसी को एग्जैक्टली सेम बनवाना है तो वो भी आप प्रोजेक्ट के हिसाब से करवा देते हैं?
ये हमारे लिए बहुत आसान है। अगर बिल्कुल ऐसा ही चाहता है तो हम साइज पता कर लेंगे और अपने मेसन को भेज के इंस्टॉल करवा देंगे, बिल्कुल सेम एज इट इज गेटअप आ जाएगा। एक मॉकअप हमने ये बनाया गया है, ये वाली जो टाइल है ये हाइड्रोफोबिक टेक्नोलॉजी की टाइल है। हाइड्रोफोबिक क्या होता है, इसमें पानी स्टिक नहीं करेगा, कई बार पानी चिपका हुआ रह जाता है जिसकी वजह से टाइल धीरे धीरे काली काली लगने लगती है, बट इसमें पानी कभी भी स्टिक नहीं रहेगा, अपने आप पानी नीचे गिर जाएगा। ये सोमानी की पेटेंटेड हाइड्रोफोबिक टेक्नोलॉजी। सर ये क्या साइज है? ये 1.5 फिट बाई 3 फिट का साइज है, ये एक नया साइज है और आज मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग साइज है। और इसमें ऑप्शंस की बात करें तो कितने ऑप्शंस आपके पास? हमारे पास लगभग 16-17 डिजाइन है इस साइज के अंदर, और जो विद पूरे कॉन्सेप्ट्स है फ्लोर के साथ सब कुछ अवेलेबल है। फ्लोर एंड वॉल दोनों के लिए अवेलेबल है? ये वाला जो ग्लॉस वाला साइज है वो वॉल पे लगता है, और जो मैट वाला साइज है वो फ्लोर और वॉल दोनों पे ही लग सकता है। ओके सर, और ये भी सेम है जो ये आप बता रहे हैं जिसमें पानी टिकता नहीं है? ये वाला भी 1.5 बाई 3 का ही साइज है, ये कटिंग करके मॉकअप में प्लेस करा गया है। ये डबल चार्ज टाइल है, जनरली आपने ये फ्लोर पे देखी होगी बट यहाँ पर हमने इसे वॉल में इंस्टॉल करा गया है, और इसके साथ जो फ्यूजन करा गया है वो एक हेक्सागनल टाइल का करा गया है। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारी पार्किंग टाइल है, और ये पार्किंग के साथ साथ वॉल पे भी प्लेस हो सकती है, ये हैवी ड्यूटी वर्क की साइज है। तो सर इसमें ये कितने बाई कितने की है? ये 16 इंची बाई 16 इंची की टाइल है। ओके। इस टाइल की खासियत क्या है, कितना भी एब्रेशन हो चाहे फ्लोर पे चाहे वॉल पे, ये कभी भी आपकी एब्रेशन नहीं होगा या कभी भी घिसेगी नहीं। और इनके प्राइस रेंज की बात करें तो थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं? आइडिया मान के चलिए 45-50-40 के आसपास की ये प्राइस रेंज की टाइल। और सारा प्रीमियम आपके पास? 100% बिना प्रीमियम के तो हमारा कोई काम ही नहीं। ये टाइल देख सकते हैं, ये टाइल आप इंटीरियर एक्सटीरियर कहीं भी प्लेस कर सकते हो, ये ब्रिक पैटर्न है और ये बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है ये वाली टाइल। इवन आजकल इसे बाथरूम में भी लगाया जाता है, ड्राइंग रूम में भी लगाया जाता है। जिस टाइल की हम बात कर रहे थे 1.5 फिट बाई 3 फिट की जो हाइड्रोफोबिक थी, उसी साइज की ये टाइल है। इस टाइल में आपको कहीं भी ज्वाइंट्स नहीं दिखेगा। दूसरी खासियत है, अगर इसे टच करेंगे तो हमें बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि जैसे बैम्बू की टाइल्स, ये बैम्बू लगाई हुई है। मतलब रिजॉर्ट होटल वगैरह में ये यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स में, जहाँ पे भी ऐसी फील देनी हो? एग्जैक्टली, बिल्कुल नेचुरल लुक आएगा इसका, आप कहीं भी लगा सकते हैं, होटल्स में, माउंटेन्स में, जहाँ पे आप वुड प्लेस करना चाहते हैं तो आप इसे लगा सकते हैं। ये प्रीमियम सेगमेंट में टाइल है, इसमें सारा रोडियम का काम हुआ है। आप बहुत बारीक से देखेंगे तो इसमें सारे जो ग्रेन्स है ना वो अलग अलग दिखेंगे। इसके साथ हमने इसी का कॉम्बिनेशन रोडियम वाला लगाया हुआ है, और ये मोरक्कन इसके साथ लगाया हुआ है। जो शीट के पीछे का छोटा सा हिस्सा होता है वहां पर एज अ हाईलाइटर मोरक्कन लगाया गया है। आजकल डार्क कलर के बाथरूम का बहुत फैशन है, ये डार्क कलर में हमने स्टील ग्रे की टाइल लगाई गई है और उसके साथ मल्टी कलर्ड वुड लगाया गया है। इस स्टाइल में भी कार्विंग का इफेक्ट रहेगा और लाइट्स में बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा इस स्टाइल का। सेम हमने इसकी फ्लोरिंग प्लेस करी है। इन मॉकअप्स को देख के आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे बाथरूम कैसे लगने वाले हैं। ये टाइल जो है ये मैट है, बट टच करने में आपको लगेगा ये सुपर ग्लॉस है। इस टाइल में कोई भी मट्टी डस्ट टिक नहीं करेगी। ये भी सोमानी की एक नई तरह की पेटेंट है, इसे सिल्क फिनिश बोला जाता है। और इसके साथ हमने जो हाईलाइटर और ये फ्लोर पर लगाया गया कलर बॉडी टाइल है। कलर बॉडी का मतलब क्या होता है, अंदर से सेम कलर की टाइल होती है। सर वो कैसे, मतलब अंदर से सेम कैसे? जनरली जो टाइल्स होती हैं वो मट्टी से बनती है जी। जब हम येलो कलर की मट्टी यूज करते हैं और उसके ऊपर ग्लेजिंग करते हैं तो वो नॉर्मल टाइल होती है। ओके। पर एक टाइल होती है कलर बॉडी, मैं आपको यहाँ पर उसका एक अच्छा डेमो दे सकता हूँ। इधर आ जाइए, जैसे ये वाली टाइल देखेंगे, ये बीच में से कटी हुई है तो आपको पता लगेगा इसका अंदर का और बाहर का सेम कलर, ग्रे कलर है। बिल्कुल। तो इस टाइल में क्या होता है, जब बहुत ज्यादा फुटफॉल होता है तो अंदर से सेम चीज निकलती है तो पता नहीं चलता। ओके। तो बेसिकली लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ता है इसका। डेफिनेटली सर, कलर बॉडी का बहुत अच्छी लाइफ है। ये वाला जो बाथरूम है इसमें दो साइजेस की टाइल लगाई गई है। जो लाइट कलर की साइज है वो 2x4 का है, और जो डार्क कलर है वो 32 इंची बाई 64 इंची का साइज है। और ये पेंसिल लगाई गई बीच में, इसकी खूबसूरती अपने आप ही दिखती है। और ये जो प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है इसका, ये भी एक तरह की टाइल है। ये जो टाइल है इसे नैनो स्टोन बोलते हैं। इसकी आप फ्लोरिंग देखेंगे तो फ्लोरिंग इसकी फुल बॉडी में है, कितनी भी कोशिश कर लेंगे कभी इसकी फ्लोरिंग घिसेगी नहीं। दोस्तों 2x4 साइज के ऊपर हम आ गए हैं, और बेसिकली सीधी सी बात यही है कि अगर आप इनको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ऑर्डर देना चाहते हैं, या कोई भी डिटेल्स टाइल के बारे में, सोमानी टाइल्स के बारे में,
प्रीमियम टाइल्स के लिए आप पता करना चाहते हैं तो इनको कॉल कर सकते हैं और गूगल पे इनकी लोकेशन आपको सबसे ऊपर मिल जाएगी। 2x4 साइज के ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो थोड़ा सा बताइए इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों भी लगता है दोनों होगा सर इसमें आप थोड़े डिजाइन दिखाइए। ये सारे में पर कनेक्शन है बहुत सारे पैटर्न आ जाएंगे फ्लावर वगैरह इस टाइप के, इसे ज्यादातर मुरकन पैटर्न कहते हैं। ये सतवारी हुआ था, सतवारी बहुत सुंदर लगता है, इसमें आपको कलर ऑप्शन लाइट डार्क ऑप्शन आ जाएंगे। ये मार्बल फिनिश के अंदर आ गया, हाई ग्लॉस है ये सारा, जितने भी आपने देखा। दोस्तों प्राइजेस की बात करें तो प्राइजेस आप इनको कॉल करके पता कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियो होते हैं, एक रिटेलर है, होलसेलर है और प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो सब सिनेरियो में अलग अलग डिपेंड करता है। तो बेसिकली बात सीधी सी यही है कि आप इनको कॉल करें कभी भी। दोस्तों इनको कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक, और वीक में 7 डेज ओपन रहता है आपका, और ये पड़ता है गाजियाबाद में। गूगल पे इनकी लोकेशन इजीली आपको मिल जाएगी। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या इनके पास मटेरियल है। प्रीशियस सीरीज है हमारी, इसमें कार्विंग इफेक्ट है दार्जिलिंग, ये आपकी लाइट पड़ने पर ही केवल शाइन करेगी। इसमें थोड़े और डिजाइन दिखाइए प्लीज। जैसे कि आप ये देख सकते हैं मोजैक में आ जाएगा, ये भी बहुत प्यारा डिजाइन है। दोस्तों ये देख सकते हैं ये फ्रंट एलिवेशन की टाइल्स है, इसमें इनके पास कौन कौन सी डिजाइन है भाई बताइए थोड़ा सा। इसमें मेरे पे वुडन आ जाएगा, वुडन आ जाएगा जी। और कौन कौन सी है इसपे? ये मेरे पे टैबर्टिन आते हैं, टैबर्टिन में इस पे कलर ऑप्शंस आ जाएंगे। और ये एक बॉक्स में कितने पीस आते हैं इसके? इसमें चार पीसेस होते हैं, चार पीस होते हैं। और इसके डिजाइन थोड़ा सा दिखाएंगे आप सब? ये देखिए इसमें वुडन प्लैंक्स आ जाएंगे, ये बहुत फ्लोर दोनों के लिए होता है। अच्छा जी, और इनका जो साइज है वो सब एक ही है, एक ही समान होती है सारा? ये जो भी मैं आपको दिखा रही है 8x48 इंच का साइज है। अच्छा जी, ये मेरे पे सारा सोमानी का है। और इनकी जो थिकनेस होती है कितनी होती है? ये 8mm होती है थिकनेस, 8mm होती है। तो ये ब्रेकेज का चक्कर तो नहीं होता? विट्रीफाइड बॉडी होती है, विट्रीफाइड बॉडी होती है। थोड़े से और डिजाइन इसमें प्लैंक्स में मेरे पे कलर ऑप्शंस आ जाएंगे, ये बोर्ड फ्लोर दोनों के लिए होता है। इसमें ये ग्रे कलर आ जाएगा, ये ब्राउन आ जाएगा, ये मल्टी कलर आ जाएंगे, इसे मुड़कर इसे मल्टी कलर आते हैं, ये सारे बॉक्स में ये मिक्स आता है। मतलब इस तरीके के लुक आएगा, इस साइड का ही लुक आएगा। बोर्ड फ्लोर हम दोनों जगह के यूज कर सकते हैं हम इसे, मतलब होटल हो, रेस्टोरेंट हो, घर हो, कोई प्लेइंग एरिया हो, कोई भी किसी भी तरीके से यूज कर सब जगह यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत शानदार, बहुत अच्छे डिजाइन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। आपको करना बस यही होगा कि प्रीमियम टाइल के अगर आप खरीदार हैं और आपको अच्छा लगता है कि सिर्फ क्रीम मटेरियल ही आपको चाहिए, तो सोमानी के डायरेक्ट नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े आप गोडाउन शोरूम पे आप आ सकते हैं और इस तरीके की चीजें, इस तरीके के प्लैंक्स आप खरीद सकते हैं। ये हमारा एक साइज है जिसको बोलते हैं हम 2.5x5 का साइज, ये विट्रीफाइड टाइल्स है। इसके अंदर बहुत सारे डिजाइन आते हैं, आज के टाइम में ये लेटेस्ट आपका साइज चल रहा है, जितने अच्छे प्रीमियम हाउसेस बनते हैं उसमें यही साइज चलता है। सर ये जो साइज है ये एग्जैक्टली कहाँ पे लगता है? ये लोगों के घर में, बेडरूम्स के अंदर, ड्राइंग रूम में। ये आप देख सकते हैं एक सैंपल इमेज लगी हुई है, इस तरीके से लुक आने वाला है लगने के बाद। ये मेरे ख्याल से थोड़ा यूनिक साइज है, ये यूनिक साइज है। जितने प्रीमियम घर बनेंगे, जितने अच्छे सेगमेंट के घर बनेंगे, वो ये साइज यूज करेंगे। और सर एक बॉक्स में कितने पीस आते हैं? ये एक बॉक्स में दो पीस आते हैं, 28.88 स्क्वायर फीट एक बॉक्स में आता है। और डिजाइंस देखेंगे सर? ये इटालियन लुक है, 100% इटालियन की कॉपी है ये टाइल। आजकल आर्किटेक्ट्स वगैरह जितने आते हैं वो ग्रे थीम को पसंद करते हैं, ये ग्रे कलर की। सर ये स्लिपरी तो नहीं होती होगी? जैसे अगर ग्लॉसी है तो स्लिपरी ऐसे लगता है। जितनी भी टाइल्स होती हैं इसके ऊपर एक नैनो पॉलिश होती है, हाँ, जिसकी वजह से कभी आपका पैर वगैरह कोई स्लिप नहीं स्लिप नहीं करे। ये एक टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी। और ये भी बीच में मेरे ख्याल से ये एंग्रेव टाइल्स है, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है टाइल है,
बट इसकी खासियत क्या है कि जितना एक एक इसके बारीकी से आप देखेंगे एक एक रेशे को, ये सब लाइट में रोशनी मतलब खिल के आता है। तो सर इसका अगर थोड़ा सा एक आइडिया, टेंटेटिव प्राइस का आइडिया, तो कुछ रेंज आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए ये साइज जो है 80 रुपीज स्क्वायर फीट। और आप सारा प्रीमियम मटेरियल हमारे पास, जितना मटेरियल मिलेगा आपको फर्स्ट क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी मिलेगा। ओके, ये भी बहुत सुंदर टाइल है, ये आज के दिन हमारी सबसे अच्छा टाइल चलने वाली है। इस टाइल का नाम है बल्कि सीमस बेज, और इसमें एक एक पॉइंट जो है वो अलग से खिल के आता है। ये इवन मैंने अपने बाहर वाले रिसेप्शन एरिया में भी लगाया हुआ है। सर किसी का कमरा अगर कोई एक स्टैंडर्ड रूम साइज हो तो उस पे ये कितनी टाइलें लग जाएगी? आप एक स्टैंडर्ड जो साइज होता है वो 12x12 का मान के चलते हैं जी, उसमें वो 144 स्क्वायर फीट हो गया, तो एक रूम के अंदर ये लगभग लगभग 7 बॉक्स आएंगे, 7 बॉक्सेस आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री के सबसे बड़े साइज की, इससे बड़ा साइज नहीं आता अभी। ये 4x8 का साइज है, 4 फीट by 8 फीट का ये साइज है। ये साइज की टाइल लगभग लगभग आप मान लीजिए 150 रुपए स्क्वायर फीट है, 150 रुपए स्क्वायर फीट है। सर ऐसा तो नहीं है आप रेट वीडियोस के अंदर कुछ बताएं और आपके यहाँ कोई विजिट करे तो रेट चेंज हो जाए? नहीं सर, जो आप टाइल्स देख रहे हैं वो आगे तक भी सेम रेट मिलेगा। वही नहीं है कि वीडियो के अंदर हम कुछ और रेट बता रहे हैं, एक्चुअल में कुछ और रेट होगा, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। और ऐसा तो नहीं है सर कि प्रीमियम के नाम पे कुछ और दे दिया जाए, क्योंकि आजकल कई लोगों के हमारे पास कमेंट्स आए कि प्रीमियम का स्टिकर हटा दिया जाता है या नीचे कुछ और स्टिकर लगा होता है? एक्चुअल में एक ऐसी लॉटी कंपनी है जिसके हर बॉक्स के ऊपर प्रीमियम प्रिंटेड आएगा। इतना किसी के बस की नहीं होता कि प्रीमियम मतलब बॉक्सेस नए बनाकर और रीपैकिंग करे, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। मैं अभी आपको अपने कंपनी का एक बॉक्स मंगाता हूं और उस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ दिखाता हूं। एक बॉक्स मंगाओ, ये बहुत अच्छा इटालियन लुक इस है। इसमें कितने डिजाइन होंगे लगभग आपके पास? मेरे पास लगभग इस साइज में 12 डिजाइन। तो सर एक चीज और पूछ रही थी, ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, माल एक जगह से दूसरी जगह जाता है सर, उस पर टूट फूट भी बड़ी होती है, तो क्या टूट फूट की जिम्मेवारी क्या होती है सर, थोड़ा सा बताइए सर। सर मिट्टी से आइटम बनता है, वैसे 99% विट्रीफाइड टाइल्स आती हैं, ब्रेकेज आती नहीं है, बट 1-2% की ब्रेकेज कंपनी भी बोलकर चलती है, और इतना मान के चलना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 100% ब्रेकेज ना है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन सब आप ही का है सर, आपकी अपनी कंपनी है तो ट्रांसपोर्टेशन तो सारा आपका अपना ही होगा ना सर? जी सर, ट्रांसपोर्टेशन हमारे पार्ट पर रहता है, बट इसका जितनी भी कॉस्टिंग आती है वो क्लाइंट को देना। ओके, ये एक नैनो टाइल है, ये एक अलग से आती है टाइल। इसकी खासियत क्या है, ये किचन स्लैब में काउंटर स्टॉप पर उसके लिए ये स्पेशली बनाई गई है। ये 15 mm मोटी टाइल है। मैं आपको जो अभी पीछे बता रहा था कि हमारी कंपनी की टाइल्स के अंदर बॉक्सेस के ऊपर प्रीमियम प्रिंटेड आता है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये हर बॉक्स के ऊपर प्रीमियम प्रिंटेड आएगा। अच्छा, तो कोई चांस ही नहीं है कि इसको कोई चेंज किया जाए? को चेंज भी कर देते हैं, बट बॉक्स को कोई चेंज नहीं करना, इतना इजी नहीं है। बेल्ट से पूरी तरीके से टाइट होता है ये, और जो अगर ये सेकंड क्वालिटी होगा यहाँ पर स्टैंडर्ड लिखा है, कमर्शियल होगा तो कमर्शियल लिखा है। तो दोस्तों अर्पित जी हमारे साथ हैं, अर्पित जी का जैसे आपको शोरूम हमने अभी नीचे दिखाया है, अब हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, और यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें एक्सक्लूसिव हैं और आपको इस सोमानी के आउटलेट में क्यों आना चाहिए वो अर्पित जी हमें बताएंगे। अर्पित जी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए और क्या एक्सक्लूसिव है यहाँ पर? ये फ्लोर हमने अभी रिसेंटली डेवलप करी है, इसमें सारे डिजाइनर आइटम बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया गया है। एक एक घर की किचन कैसी होनी चाहिए, बाथरूम कैसा होना चाहिए, बेडरूम कैसा होना चाहिए, हर जगह हमने टाइल इंस्टॉल करके दिखाई है। हमने स्टार्ट करा है मॉडलर किचन से, हमारी मॉडलर किचन में कौन सी टाइल लगनी चाहिए, किस प्रकार से लगनी चाहिए, ये सब कुछ दिखाया है। ये इसके अंदर ही फ्रिज है, इसके अंदर ही डिश वॉशर है। आप अगर हमसे संपर्क करेंगे तो हम आपके लिए मॉडलर किचन भी बना कर देंगे। सर ये शूज वगैरह भी आप लोग ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं क्या? नहीं सर, ये सिर्फ एक डिस्प्ले का तरीका है। कई बार कस्टमर कहता है कि हम बाथरूम देख के थक गए, तो हमें लगता है कि कुछ एक ग्रेज डेवलप करने के लिए हमने ऐसा कुछ डिस्प्ले बनाया गया है। डिफरेंट स्टाइल है, आप साथ में कंपनी का एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही कर रहे हैं। इसमें क्या है, ग्रे टाइल,
जो भी कोई कस्टमर आता है या आज का यंग जनरेशन आता है, ग्रे का बहुत क्रेज है, तो इसमें हमने फ्लोर वॉल पेंसिल ये सब कुछ डाल के दिखाया गया है। ये भी एक तरह का बाथरूम भी हम इसे समझ सकते हैं। हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा कलरफुल कलेक्शन लगे, तो ये हमने बच्चों का सेंटर बनाया है और इसमें थोड़े बच्चों के लिए झूले वगैरह भी डाले हैं। आइए, ये ब्लैक एंड व्हाइट भी बहुत चलता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट टाइल जब एक साथ लगेगी तो कैसी लगेगी, उसके फ्लोरिंग पे क्या होगा, तो ये भी हमने बनाया है। ये जो टाइल है, पीछे की बालकनी होती है, बाउंड्री वॉल होती है, उसमें प्लैंक्स लगाए जाते हैं, एलिवेशन टाइल्स लगाई जाती है, नीचे फ्लोरिंग है, कैसा लगेगा ये सब कुछ यहाँ पे हमने दिखाया है। ये अगेन ब्लैक एंड व्हाइट टाइल्स का लुक दिया गया है। कई बार हम आपके लिए डिजाइन भी करवा देते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह की टाइल लगाएं, लगने के बाद कैसी नजर आएगी या 3D कैसा होगा, तो उसके लिए हमारे डिजाइनर भी बैठे हुए हैं। अच्छा सर, यहाँ पे हाय, हाउ आर यू। तो वो आप लोगों के लिए टाइल्स का आप सिलेक्शन करेंगे कि मेरे को ये टाइल अच्छी लग रही है, ये टाइल अच्छी लग रही है, अपने घर की फोटो देंगे, अपने बाथरूम की फोटो देंगे, तो आपको ये 3D में डेवलप करके दे देंगे कि लगने के बाद ये चीज अच्छी लगेगी। फिर आपकी चॉइस है कि आप उसे लेना चाहें, दूसरे देखना चाहें, आप कर सकते हैं। तो ये चीज शायद आपने पहली बार यूट्यूब पे देखी होगी कि एक इतने बड़े टाइल्स का शोरूम और उस शोरूम के अंदर बकायदा एक पूरा का पूरा सेगमेंट बनाया गया है जिसके अंदर आपको डिजाइनर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको अपना घर बनाना है, घर के अंदर क्या डेकोरेशन करानी है, वो आपको सारी चीजें यहाँ पर सिर्फ चुटकियों में बता दी जाएंगी। सर चुटकियों में ही हो जाता है, सर बिल्कुल चुटकियों में ही जाता है। ऐसा हर किसी के पास आर्किटेक्ट नहीं होते, राइट, हर कोई 3D नहीं लेके चलता, बट चाहता है कि उसका बाथरूम उसके पसंद से बने, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सुविधाएं आपको दे। चलो सर, ये तो बहुत अच्छा है। तो आप देख पा रहे हैं कि सोमानी के आउटलेट में आपको ये सारी चीजें मिल पा रही है। अब आपको एक ओवरव्यू देते हैं यहाँ के आउटलेट का। ये वाला बाथरूम देखिए, ये हर आदमी पसंद करता है। इसमें टाइल लगी हुई है, लाइट है, डार्क है, फ्लोर हमारी पैनल्स फिटिंग सब कुछ है इसके अंदर भी। ये हम जैसे कि बाथटब भी सेल करते हैं, पैनल्स भी सेल करते हैं, एक कॉम्बो बनाया हुआ है। ब्लू कलर की टाइल है, एक्वा फ्लोरिंग है इसकी, ये भी आपको पसंद आएगा। सर ये टाइल कौन सी है, वही मैट फिनिश में आती है क्या है सर? ये सर ये मैट फिनिश की ही टाइल है, मैट फिनिश स्लिपरी नहीं, क्योंकि वॉशरूम में हालत में आप इस पे चाहे मतलब कितनी भी कोशिश कर ले आप फिसल नहीं सकते, फिसल नहीं सकते। ये तो सर ये सैनिटरी की अगर मैं बात करूं तो ये टब वगैरह भी आपके पास अवेलेबल होते हैं सर? हाँ सर, बहुत वैरायटी के टब। अभी तक तो हम टाइल्स और ये सारी चीजों की बात करते हैं, सैनिटरी की हमने सर अभी तक कोई बात ही नहीं करी। सर थोड़ा सा सैनिटरी के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर सैनिटरी की जितनी रेंज होती है, चाहे वो बेसिन हो, चाहे वो सीट हो, चाहे वो पैनल्स हो, चाहे वो शावर्स हो, आपको कंप्लीट मिल जाएगा। सब कुछ सोमानी का मिलेगा, सबकी 10 साल की वारंटी होगी और मार्केट से कम पैसों में मिलेगा। इस बात की हम सर्टिफिकेट थोड़ा सा, ये आपने बड़ा अच्छा असर बनाया हुआ है। ये थोड़ा सा ये टाइल्स के डिजाइन, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं क्या? ये साइजेस क्या है सर? ये 16 इंची बाई 16 इंची की पेवर टाइल्स है। आपकी पार्किंग होती है, आपका रैंप है, आपके रूफ है, उस सबके लगाने के लिए टाइल है। ये 12 mm थिकनेस की टाइल है। इस टाइल पे आप गाड़ी भी अपनी खड़ी कर सकते हैं, गाड़ी चढ़ा भी सकते हैं, दौड़ा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको जानकर खुशी होगी जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में, उसमें हमारी टाइल्स अप्रूव्ड है और हमारे यहाँ से टाइल्स गई हुई है, उसमें इसी प्रकार की टाइल्स लगती है। तो मतलब कार भी या घोड़े भी जो जैसे वहाँ चलते हैं वो स्किट नहीं होते? हाँ सर, एंटी स्किट बोल सकते हैं, 100% एंटी स्किट है। ठीक है, इसके सर ये थोड़ा सा बताइए, ये आपने क्या डिजाइन दे रखा है? ये तो लग रहा है ऐसे कोई बाहर का डिजाइन है। तो बैठ ही जाओ फिर, बाहर है तो बनता है फिर तो। सर है तो ये बाहर वगैरह सारे खाली ग्लास। सर ये जो हमने दे रखा है, ये बस टाइल्स दिखाने का एक नजरिया है। ब्लैक टाइल्स बहुत अच्छी लगती है और हमने दिखाया हुआ है कि जब वॉल पे टाइल्स लगेगी ये ब्लैक सिंगल कलर तो किस प्रकार लगेगी। और सर ये फ्लोर पे प्लैंक्स हैं? हाँ, ये फ्लोर पे वुडन प्लैंक्स हैं, ये भी दो कलर की कॉम्बिनेशन में दिए हुए हैं। सर थोड़ा सा लोगों को ये भी बताइए, वुडन प्लैंक सिर्फ नाम का ही वुडन है, बाकी एक वुडन टेक्सचर देने के लिए सेरेमिक की ही टाइल्स होती है। डेफिनेटली सर, वुडन प्लैंक्स पिछले लंबे टाइम से मार्केट से आउट होते जा रहे हैं। एक तो महंगे बहुत होते हैं और निश्चित हल्के से भी मॉइस्चर में खराब हो जाते हैं। तो सेरेमिक इंडस्ट्री कोई भी है, कोई भी बड़ा ब्रांड है, उसने वुडन तरीके की अपनी टाइल्स डेवलप करी गई है, ना तो ये कभी खराब होगी और उससे आधे चौथाई पैसों में मिल जाएगी। ये हमने एक बेडरूम का वर्चुअल बनाया हुआ है। आप अपने घर का बेडरूम कैसा डिजाइन करना चाहते हैं इसे देख के आपको आइडिया मिल जाएगा। स्क्रीन के ऊपर सारे नंबर हमारे फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें 10 बजे से 7 बजे तक कॉल कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट के लिए ही हमें फोन करें, स्टैंडर्ड और कमर्शियल के लिए हमें फोन ना करें।
पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ इंडिया में अराउंड 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं, चाहे वो हाई राइज बिल्डिंग हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, कोई भी प्रोजेक्ट्स की इंक्वायरी हो सोमानी टाइल्स के ऊपर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इतना हमारा कमिटमेंट है, नॉर्थ इंडिया में हमसे अच्छे रेट आपको कोई नहीं। ये हमने एक लॉन्च का गेटअप दे रखा है, आपके लॉन्च में किस तरह से टाइल्स लगनी चाहिए। यहाँ पर हमने एक रोम्बस शेप में टाइल कटवा रखी है, ये एक कार्विंग वाली टाइल है, ये एक कार्विंग वाली टाइल है, तो आपको प्रॉपर लुक पता चलेगा। आइए मैं आपको अपना मंदिर दिखाता हूँ। मंदिर डिजाइन करा गया है, इसमें ग्रे कलर की ग्लॉसी टाइल लगाई गई है, जहाँ पे धूपबत्ती अगरबत्ती हो तो उसका कोई भी धुआं स्टीम ना छिड़के, व्हाइट कलर की स्टोन फिनिश लगाई गई है और ऑनिक्स कलर का पत्थर नीचे लगाया गया है। ये कोरियन का मंदिर हमने बनाया हुआ है। आइए आगे मैं आपको किचन और दिखाता हूँ मॉडल किचन। ये प्रोफाइल लाइटिंग के साथ मॉडल किचन लगाई गई है, बहुत सिंपल, बहुत साधारण, 2x2 की ग्लॉस टाइल लगाई गई है, नैनो स्टोन लगाया गया है और सारा पीयू का काम कराया गया है इस किचन में। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर एरिया है, ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। इसमें एक वुडन प्लैंक्स लगाए गए हैं और ये बिल्कुल रस्टिक फिनिश में है, साथ में एक एलिवेटेड टाइल लगाई गई है और बिल्कुल मैट कलर की, ब्राउन कलर की एक रस्टिक टाइल लगाई गई है। तो आपको लॉन्च जो है या आपको रेस्टोरेंट डिजाइन कर रहे हैं तो उसका भी आपको इसमें पूरा लुक। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपना सीपी सेलेक्टेड डिवीजन पे। ये सारा सोमानी का सीपी सेलेक्टेड डिवीजन है, बिल्कुल प्रीमियम सेगमेंट आइटम है। हमारी सोमानी गीजर बनाती है, सीपी बनाती है, सेनेटरी बनाती है। इसमें आपको हर रेंज की 500 रुपये से स्टार्ट होकर 50,000 रुपये रेंज की शीट, सेनेटरी, सीपी, टैप, पिलर कॉक, एंगल वॉल, पूरी एसेसरीज की रेंज हमारे यहाँ मिल जाएगी। और इतना हमारा कमिटमेंट में कि अगर आप एक बार घर बना रहे हैं हमारे शोरूम पर जरूर आए, हम आपको बेस्ट रेट पे, बेस्ट सर्विस के साथ बेस्ट चीज़ अवेलेबल कराएंगे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप कोई भी अपना घर बनाए, कोई भी आशा ना बसाए, हमारे शोरूम पे जरूर विजिट करना, आपको प्रीमियम सेगमेंट का सोमानी का बेस्ट डिस्प्ले मिलेगा। एंड कीप वॉचिंग जय वीरो ब्लॉग। जय हिंद। हाय नमस्कार, मैं रणदीप हुडा। आप लाइक और सब्सक्राइब करें ब्लॉग जय वीरू ब्लॉग को एंड एंजॉय योरसेल्फ।